अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्गेनैली की दैट इज़ द राइबोसोम्स आपने जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की तो मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बीडेड अपीयरेंस होते हैं क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राइबोसोम कितने स्मॉलर होते हैं राइबोसोम बेसिकली ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनैली होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है दैट्स वाई क्योंकि ये किसी भी मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड नहीं होती तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स सारे टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का जो साइज होता है वो थोड़ा लार्जर होता है और वो बेसिकली 24 फोर मीटर डायमीटर के अराउंड होते हैं एक राइबोसोम जो, होता, तो जो होता है वो दो सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है तो जो लार्जर सब यूनिट होता है वो सिक्सटी एस का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है फोर्टी एस का एस सेडिमेंटेशन रेट अगर हमने सेंटिफिकेशन टेक्निक्स आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ी थी तो उससे मुराद होता है कि पार्टिकल कितनी जल्दी जो है वो सेटल्ड होता है अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर जो है ये आपको ये लार्जेस्ट सब यूनिट नज़र आएगा और ये सिक्सटी एस का होता है और ये स्मॉलर सब यूनिट होता है और ये होता है मोस्टली फोर्टी एस का और जब ये दोनों कम्बाइन होते हैं तो कम्बाइन होकर ये जिस रेट पर सेटल्ड होते हैं इसको हम एटी एस यूनिट कहते हैं राइबोसोम के स्मॉलर और लार्जर की जो अटैचमेंट होती है ये बेसिकली आपके मैग्नीशियम आयन और सर्टन मॉलिक्यूल्स और कंडीशन कंट्रोल करी होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आपके मैसेंजर आर ने जो है वो रिलीज़ होगा साइटोप्लाज्म में ये अटैच हो जाएंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन और फिर ये क्रिएट करेंगे कुछ फॉस्फेट बॉन्ड्स और मैग्नीशियम आयन जो होता है वो बेसिकली इसकी लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के अटैचमेंट को कंट्रोल करा होता है फिर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की प्रोकरोटिक रॉबोजोम्स बेसिकली स्मॉलर इन साइज़ होते हैं और अगर हम इन दोनों को कम्बाइन करें तो ये सेवेंटी एस यानी कि सेवेंटी सेडिमेंट पर बैठते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो थर्टी सेडिमेंट का होता है और लार्जर सब यूनिट फिफ्टी सेडिमेंट के होते हैं और जब हम इन दोनों को कम्बाइन करें तो ये सेवेंटी एस का होता है साइज़ में थोड़ा सा डिफ्रेंस होता है उसके अलावा आपको यू करियोटिक एंड प्रोकरोटिक में दोनों के जइबोजोम्स होते हैं वो सेम फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं विच इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स अब हम बात करते हैं एक और टर्म कीज नॉन एज पोलिसोम समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो मैसेंजर आर एन ए होता है उसकी सर्वरल कॉपीज ऑफ प्रोटीन बनानी होती है क्योंकि मैसेंजर आर एन ए मोस्टली शॉर्ट लिफ्ट होते हैं और वो जल्दी डिसंटीग्रेट हो जाते हैं सो दैट्स वाई एक मैसेंजर आर एन ए पे सर्वरल राइबोजोम्स आकर अटैच हो जाते हैं और वो एट अ टाइम एक सिंगल मैसेंजर आर एन ए की सर्वरल कॉपीज ऑफ प्रोटीन क्रिएट कर देते हैं और इस होल स्ट्रक्चर को हम पोली कहते हैं थैंक यू